साथियों, मैं आपको अपनी जो पानी की हौदिया बोलते हैं हमारे, उसे दिखाना चाहूँगा। इस हौदिया में इतने नीचे पानी है, पता नहीं इस पानी के अंदर बेचारा कैसे गिर गया। और ये सामने इसका पंख भी पड़ा है, मैं और आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ। तो साथियों, मेरा मकसद इस वीडियो को बना करके आप लोगों के सामने एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही बेचारे पशु पक्षी जीव जंतु आदि की मदद करें। साथियों, अगर उस टाइम मेरे पास फ़ोन होता तो मैं आपको लाइव दिखाता कैसे मैंने उसकी बेचारे की पानी के अंदर से निकाल करके। साथियों, वह डंडी जिससे मैंने उस बेचारे को निकाला था, ये डंडी थी, इसे मैंने पानी के अंदर यहाँ पे उसे बैठा करके ऊपर कैसे निकाल करके निकाला था। उस समय मेरे पास फ़ोन ना होने की वजह से मैं इसे आप लोगों को निकालते हुए नहीं दिखा पाया। अगर मेरे पास उस टाइम फ़ोन होता तो मैं आपको पूरा सच दिखाता। उसके बाद साथियों, मैंने यहाँ से निकाल करके कुइया में से मैंने अपनी ईख में अंदर जा करके आपको दिखाऊंगा मैं वो जगह जहाँ पर मैंने उस बेचारे को बैठाया था। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये वो जगह है जहाँ मैंने उसे यहाँ बैठा दिया था कि मेरी बरसात से बच जाएगा। और साथियों, इस वक्त भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बरसात हो रही है। तो साथियों, यही वो बगला है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने पानी की होद से निकाल करके इसे अपने ईख में रखा था। साथियों, मैं अब अपने घर से बाइक के द्वारा इसे देखने के लिए आया, तो यह मुझे अपने ही बाग के खेत में नज़र आ गया। जैसे ही मैं इसके पास को चला तो ये आगे बढ़ने लगा। और साथियों, मैं इसके लिए अपने घर से कुछ रोटी के टुकड़े लाया था कि बेचारा उन्हें खा करके कुछ इसे आराम मिल सके। तो मेरे साथियों, यहाँ आकर देखा तो यह बगला अब अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा। साथियों, अब तो यह अपनी गर्दन को इधर उधर भी हिलाने लगा है। मैंने सोचा, अरे बगला, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आया हूँ, बगला को उसे देख कर आता हूँ। तो मैंने घर से जब ही तुरंत ये रोटी के टुकड़े लिए हैं कि मैं जाके उसे खिलाऊंगा, जा करके आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटी सी एक रोटी है ये, मैं जाके उसे खिलाऊँ, जाके उसका पेट भर जाएगा, तो न जाने सांस पड़ सकती है उस बेचारे में। देखा तो उधर सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तीसरा वाला पेड़, जो तीसरा वाला यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, जो सामने तीसरा पेड़ है आम का, इसके बराबर में यहाँ पे मिला मुझे। मैंने कि देखूँ वही बगला आ गया। मैंने जो देखा तो मुझे देखकर वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जो है मैं और आगे बढ़ा तो मैं समझ गया कि वही है ये बगला, ये इससे उड़ाने जा रहा भी, लेकिन भग रहा भी है। मैं साथियों आपको दिखाता हूँ कैसी स्थिति इस टाइम इसकी। देखो ऐसे कर रहा बेचारा, ये पूरी रात पानी में पड़े होने के कारण इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। अब इसमें कुछ सांस पड़ी है तब जा करके इसमें अब तो सब कुछ कर रहा है, अपना भोजन भी ढूंढ रहा है चारों तरफ गर्दन घुमा करके, आपको नज़र आ भी रहा होगा, सही चल भी रहा है और मुझसे छुप भी रहा है। देखो छुप गया।
साथियों मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो वहाँ पहुँच गया इतनी देर में, नीचे नीचे निकल करके उधर पहुँच गया है। इसे लग रहा है कि मैं मुझे मार देगा। भाई मैं तो बचाने वाला, साथियों आपको दिखाई दे रहा हूँ कहाँ पहुँच गए धानों से निकल करके। मैं इसके लिए पीछा कर रहा हूँ और ये सामने से उधर भी कुछ खेतों में बगला दिखाई दे गए हैं, तो उनकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा है ये। साथियों जाने देता हूँ, अब मुझे लगता है मेरे द्वारा जो किया हुआ कार्य था वो सफल हो गया है। मैं इसे खाना लेकर गया था घर से, लेकिन लगता है मेरी मेहनत बेचारे के काम आ गई। अगर मैं ना होता उस वक्त तो ये बेचारा बगला, देखो अपने पंख भी फैला रहा है और अपने गिरोह में पहुंच चुका है। उधर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं खूब सारे बगले, धीरे धीरे उधर ही पहुंच चुका है, मुझसे तो अब काफ़ी दूर पहुंच चुका है ये। साथियों उधर बहुत ही बगले आ रहे हैं अपना भोजन करने के लिए, उन्हीं में पहुंच चुका है। आपको नज़र भी आ रहा होगा जन, क्या जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। साथियों वो धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने झुंड की तरफ और खाना भी ढूंढ रहा है नीचे, बच गया अब तो। साथियों आप लोग इन बगलों में से बता सकते हैं कौन सा बगला जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसे बता सकते हैं आप कौन सा बगला है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।